हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपकी बुक है उसके यूनिट 1 का पार्ट 4। 3 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे वो है एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट। देखो, पिछली वीडियोज़ में हमने समझा कि असेसमेंट क्या होता है ना, और एवेल्युएशन क्या होता है, और आपके मेजरमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज हम देखेंगे कि भाई एग्जामिनेशन को हम एक टूल की तरह कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए, असेस करने के लिए। ठीक है, तो देखो, आप भी अभी जो पढ़ रहे हैं ये वीडियो, ढूंढते ढूंढते मेरी वीडियो तक आ चुके हैं, किस लिए आए हैं बताइए, सोचिए सोचिए बताइए। क्या आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं? नो, आपके आने का रीज़न ये है कि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बीएड में, ताकि अच्छा स्कोर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल सके, है ना। आप चाहते हैं आप पास हो जाएं, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पास होने के लिए आए हैं, है ना। तो द पॉइंट इज कि एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए, एग्ज़ाम में स्कोर करने से बेटर मोटिवेशन आपके पास इस टाइम नहीं है, राइट? या कह सकते हैं एग्ज़ाम में स्कोर करने से या जॉब मिलने से। तो एग्जामिनेशन इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन गिवन टू स्टूडेंट्स। मतलब आज कल जो बच्चे हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है इस एग्जामिनेशन की, क्योंकि बच्चे जो हैं एग्ज़ाम की वजह से ही पढ़ पा रहे हैं, ताकि उसमें स्कोर करें, उसमें स्कोर करेंगे तो अच्छा करें, उनको क्लास में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, दूसरे बच्चों से आगे निकल पाएंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग। तो एग्जामिनेशन, जिसको हम एग्ज़ाम भी कहते हैं, एक टेस्ट है ये जानने के लिए कि कितना अच्छा कोई सामने वाला बच्चा कर रहा है। तो किसी को भी एग्जामिन करना, किसी चीज़ को या किसी इंसान को एग्जामिन करना इज़ टू लुक केयरफुली। डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है तो आपको बहुत अच्छे से देखता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना कि कोई उसमें चीज़ जो है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो उसको हम ठीक कर सकें। तो एग्जामिनेशन इज असेसमेंट जिसमें आप मेजर करते हैं टेस्ट टेकर, मतलब जो टेस्ट दे रहा है, उसकी नॉलेज को, उसके स्किल को, उसके एप्टीट्यूड को, उसकी फिजिकल फिटनेस को, और फिर उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, राइट? हमने असेसमेंट के टाइप पिछले वीडियो में भी देखे थे, इसमें भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जामिनेशन को असेसमेंट की टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो असेसमेंट के टाइप समझने बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेटिव हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है असेसमेंट का, जहाँ पे चलते रहता है जो लर्निंग के समय होता है, इसमें हम बच्चे की कमियां ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई फाइनल मार्क नहीं कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, इसमें सिर्फ हमें ये पता चल रहा होता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज मिली या हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो किस हद तक सक्सेसफुल जा रहा है। समेटिव हमें एक तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ये रिजल्ट में बच्चों के हेल्प करता है, और ये क्राइटेरिया बता देता है कि बच्चा इस क्राइटेरिया तक पहुंच पाए कि नहीं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनल मार्किंग सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। डायग्नोस्टिक, जहाँ पर आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को, परेशानी को समझ पाएँ, आप ढूंढ पाएँ कि बच्चा क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो आपका डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ असेसमेंट हो जाएगा। डायनेमिक असेसमेंट, जहाँ पर हम हर फील्ड में, डायनेमिक क्या होता है, ये पोटेंशियल असेस करने में मदद करता है, किसकी पोटेंशियल, किसी स्पेसिफिक लर्निंग की, और कब, जब आप एक रेलेवेंट आइडिया से काम नहीं कर रहे हैं। डायनेमिक मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बदलती रहती है, तो जहाँ पर आप हर समय स्टूडेंट के लिए अपनी असेसमेंट्स बदल रहे हैं, हर समय बच्चे को असेस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ देख रहे हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डायनेमिक असेसमेंट। और क्राइटेरिया रेफरेंस, मतलब जहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर दे बच्चों के लिए कि इस क्राइटेरिया तक बच्चे को पहुंचना है, वो आपका हो जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। ठीक है, जहां पर एक स्टूडेंट की अचीवमेंट को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मेजर किया जाता है, लाइक आपके गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स में होता है, आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया जाता है, इतना आपको स्कोर करना है, लाइक 60% स्कोर करना है पास होने के लिए, है ना। स्टूडेंट्स को 33% स्कोर करना होता है पास होने के लिए, उसके बाद वो जितनी भी अचीवमेंट उनकी आती है वो उनकी पर्सनल अचीवमेंट होती है, राइट?
तो ये था टाइप्स ऑफ असेसमेंट. अब समझते हैं कि भाई एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है असेस करने के लिए या बच्चे के ग्रोथ के लिए. तो देखिए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टमैटिक मेजर है, स्पेशली 10th और 12th वालों के लिए, ताकि बच्चे का हम स्कोर बता पाएँ. और इसके अंदर बच्चे के हम किस चीज़ पर काम करते हैं. देखिए, एग्जामिनेशन बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाता भी है, क्या जैसे कि पंचुअलिटी, क्योंकि हम रेगुलर टाइम पर इट्स एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें आप 3 घंटे का टाइम देते हो, एक स्पेसिफिक टाइम पे पहुंचना होता है, बच्चे को पंचुअलिटी सीख पाता है. राइटिंग स्किल, क्योंकि बच्चा जो भी उसके दिमाग में है उसे उसे लिखना होता है, अगर वो लिख नहीं पा रहा है ढंग से तो वो स्कोर भी नहीं कर पाएगा ढंग से, तो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं. टाइमिंग सेंस समझ आती है, 3 घंटे में ही उसे अपना पेपर कंप्लीट करना है, या आपने कोई जो भी टाइम दिया है स्पेसिफिक, उस टाइम पीरियड में ही उसे अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है. एक्सप्रेसिंग थॉट्स, बच्चा अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाता है, जैसे कि आप जाएंगे एग्जाम में बीएड के और आप अपने थॉट्स लिखेंगे कोई भी टॉपिक जो आपको दिया जाएगा उसके ऊपर, राइट. अपने ओपिनियंस लिखेंगे, है ना, सारी चीज़ें आप बुक के तो नहीं लिखने वाले हैं. तो विदाउट एग्जाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेशन बिल्कुल लूज़ कर देंगे पढ़ने का. आपने देखा होगा पूरे साल पढ़ाई में वो मज़ा नहीं आता, उतनी डेडिकेशन नहीं निकल पाती जितनी एग्ज़ाम के लास्ट वीक में या एग्ज़ाम से एक दिन पहले निकलती है. एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो इतने मोटिवेटेड होकर हम पढ़ने लग जाते हैं, जैसे कि अगर हम इतना पूरे साल पढ़ने लग रहे होते तो हमें शायद आज इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती. बट एग्जामिनेशन इज अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन. तो एग्जामिनेशन बहुत अच्छा टूल है बच्चों को असेस करने का, ठीक है. उसके बाद मतलब एग्ज़ाम के बिना आप ऐसे नॉर्मली किसी को असेस नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से जितना आप एग्ज़ाम से कर सकते हैं. डिफरेंट लेवल्स पे आप बच्चों को असेस कर सकते हैं, और रिलायबल सिस्टम होता है, वैलिड सिस्टम होता है हमारा जो एग्ज़ाम होता है. अब एग्ज़ाम हम किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, या ओपन बुक एग्ज़ाम ले सकते हैं. रिटन जब हम लेते हैं तो हम उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डालते हैं, जैसे कि आपके एसे टाइप हो गए, आपके शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप. ऐसे जहाँ पर बच्चे को बड़ा चढ़ा लिखना होता है, मतलब लाइक 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस, जिसमें बच्चा अपने कंटेंट लिखता है, लाइक आपके 8 और 16 नंबर के ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक दिया जाता है उसमें बच्चे को लिखना होता है, ठीक है. इसके जो मार्क्स हैं वो डिफर कर सकते हैं टीचर टू टीचर, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है ऐसे टाइप आंसर्स में, मोस्टली हम कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप. शॉर्ट आंसर टाइप जो हमारा होता है उसमें आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और मतलब आप 3 to 4 लाइंस में जिनका आंसर्स दे पाए. फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं, जिनका जो आंसर है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव नहीं है. सब्जेक्टिव से मतलब पर्सन टू पर्सन उसका आंसर डिफर नहीं कर सकता, हर एक के लिए उसका आंसर एक ही होगा, कोई भी टीचर चेक करे स्कोरिंग भी एक ही रहेगी. ओरल टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपका होता है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे टाइप. तो आपको ये तीनों समझ में आ गए, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि अच्छे से पढ़ो आंसर देने के पहले. ओरल टेस्ट की हम बात करें तो किस स्किल्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो स्किल्स रिटन में चेक नहीं किए जा सकते, जैसे किसी चीज़ की प्रोनंसिएशन, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी बुक रीड करने की, या कॉम्प्रिहेंशन की. तो ओरल का मतलब मोस्टली क्या होता है, स्पीकिंग. तो ये टेस्ट किस लिए पॉपुलर हैं, छोटी क्लासेस के लिए, लाइक टेबल सुनना, बच्चों से वर्ड्स बुलवा के देखना, है ना. तो इंटरेक्शन स्किल है एक तरह का, ओरल टेस्ट हमारा इंटरेक्शन स्किल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. लर्नर अपनी नॉलेज को लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशन के थ्रू ट्रांसफर कर पाता है, ठीक है. बच्चा प्रोनाउंस करेगा सही वर्ड्स, तभी वो ओरल टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएगा. तो ओरल टेस्ट में लर्नर मोटिवेटेड फील करते हैं, और बिलोंगिंगनेस की सेंस होती है, क्योंकि वो टीचर से बिल्कुल बातचीत कर रहे होते हैं एक तरह से, तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है. और टीचर को भी कोई परेशानी नहीं होती, मतलब उसको इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन स्ट्रेस नहीं होता अगर उसे ओरल एग्ज़ाम लेना होता है, ठीक है. इसमें आपका आता है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पर आप बच्चे की सुनने की जो एबिलिटी है उसको जज कर रहे होते हैं. यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे को
एक लाइक एक स्टोरी सुना दी हमने, बच्चा बैठा हुआ है, और स्टोरी सुनाने के बाद हमने बच्चे के सामने क्वेश्चन लिखे और एक बार और स्टोरी को रिपीट किया। अब बच्चे को आंसर्स लिखने होंगे, तो यहाँ पर बच्चा आंसर्स जो लिख रहा है वो अपने लिसनिंग स्किल्स के बेसिस पर लिख रहा है। जितने बहुत ध्यान से सुनी होगी स्टोरी वही सही आंसर्स को लिख पाएगा। फिर आता है हमारा कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पर कंटेंट को समझना होता है, बच्चा उस कंटेंट को पढ़ता है और टीचर क्वेश्चन पूछती है उससे टाइम टू टाइम कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, विजुअल कॉम्प्रिहेंशन होता है जहाँ बच्चा उसको देखता है, कॉम्प्रिहेंशन वो पढ़ लेता है, सिर्फ सुनता नहीं है, या फिर हम पिक्चर्स के थ्रू भी उसको शो कर सकते हैं। पिक्चर्स के थ्रू जो होता है वो कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन होगा, और रीड करके जो बच्चा कर रहा है उसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहेंगे। ये मैंने कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन दो बार लिख दिया, यहाँ पर आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन जहाँ पे हम इमेज के थ्रू बच्चे से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहाँ पे बच्चा रीड करता है और फिर आंसर करने की कोशिश करता है, और स्पीकिंग एबिलिटी में हम किसी भी टॉपिक पर बच्चे से सुन सकते हैं उसे सामने बुला के, तो यहाँ हम उसकी स्पीकिंग एबिलिटी को जज करते हैं और इम्प्रूव करने में भी उसकी मदद करते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे ओपन बुक एग्जाम्स, जिसमें बच्चे के सामने बुक होती है और फिर उसके सामने क्वेश्चंस होते हैं, और एक बड़े एग्जाम हॉल में उसे बिठा दिया जाता है और फिर वो बुक में से खुद आंसर सर्च कर लिख सकता है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन बुक, जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं और कितनी जल्दी हम उस आंसर को उस बुक में से ढूंढ पाते हैं वो चीज़ टेस्ट हो पाती है। और इसमें मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स भी आएगा, क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं होगा पूरी बुक में वो टॉपिक कहाँ है आप सर्च भी नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये तरीके हैं एग्जामिनेशन हम किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं, किस तरह असेस करने के लिए एग्जामिनेशन को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्यों एग्जामिनेशन को ही टूल की तरह इस्तेमाल करना अच्छा है। ठीक है, तो ये सब हमने जाना इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।